हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जो है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि लूसेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, लूसेंट का जीके। तो इसमें मैंने बताया था पहले हम फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। दो तीन दिन गैप हो गया, हम ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी करने का। तो फिजिक्स कर रहे हैं, तो फिजिक्स में आज हमें फ्रिक्शन करना है, ठीक है ना। और मैं एक चीज़ बता दूँ, इस बुक का इम्पोर्टेंस बताना बस टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि आप सबको पता है इसका इम्पोर्टेंस। तो हम पहले अभी जी फिजिक्स कर रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री भी मैं ऑलमोस्ट कराने को तैयार ही हूँ, क्योंकि मैंने सारा एक बारी अच्छे से समझाने के लिए मैंने लिख लिया है, ठीक है ना। केमिस्ट्री भी हो गया है, बायोलॉजी भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। उसके बाद मैंने हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया है, ताकि क्योंकि हिस्ट्री ये नया वाला पब्लिकेशन है, इसमें अच्छे से दिया है यार, क्योंकि पुराने पब्लिकेशन में सीधे स्टार्ट करता था। और क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया है, इवन UPSC में भी पिछली बार क्वेश्चन आया था, जो पिछला मेंस था, इसमें अरेबियन राइटर्स या चाइनीज़ राइटर्स वगैरह के बारे में आया था क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसके इंस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं उसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं फ्रिक्शन, ठीक है ना। नॉर्मल एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते, एक जगह है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक डब्बा कुछ रखा हुआ है। आप इस पे फोर्स लगाते हो, क्या ये बिना किसी, आप सीधा स्लाइड करने लगा? नहीं भाई, आप इस पे धक्का लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो ये ज़मीन जिसके कांटेक्ट में है, ध्यान देना है, ज़मीन जिसके सरफेस जिसके कांटेक्ट में है, वो ये उस पे अपोजिट फोर्स लगाना शुरू कर देगा, अपोजिट फोर्स। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। आपके फोर्स के डायरेक्शन, फोर्स जिधर लगाते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसा फोर्स लगता है, और वो लगता कहाँ से? उस पर्टिकुलर बॉडी के कांटेक्ट में जो सरफेस है वो लगाती है, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल आप समझ गए, आपको ज़्यादा डेफिनेशन पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसके मेनली तीन टाइप है। पहला एक है स्टैटिक, वैसे कहीं कहीं चार भी दिया है, स्टैटिक, उसके बाद काइनेटिक, उसके बाद रोलिंग, और उसके बाद फ्लूड भी होता है, लेकिन तीन दिया है इसमें, तीन ही करते हैं, वो भी कर लेंगे। फ्लूड समझो पानी में जो लगता है नॉर्मली, क्योंकि आप जहाँ आप मान लो, अब उसको अलग टॉपिक में देख लेते हैं, वायंसी फोर्स के रूप में भी उसको पढ़ते हैं। देखिए स्टैटिक फोर्स, नॉर्मली एग्जाम्पल लेते हैं, आप रास्ते पर चल रहे हो, तो आप पहला कदम रखते हो, ध्यान देना, पहला कदम ऐसे रखते हो, और फिर ऐसे करके पीछे की तरह धक्का मारते हो, ऐसे करते हो, आप चेक बार चल के देखो, पीछे की तरफ धक्का मारते हो, जिसके कारण क्या होता है, ये पीछे की तरफ फोर्स लगता है। तो अब क्या होता है, जैसे ही आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते, आप पीछे की तरफ लगाते हो, तो सरफेस कैसे करेगा, आपको अपोज करना, सरफेस इधर की तरफ फोर्स लगाए, जिसके कारण आप चल पाते हो, नहीं तो आप चल ही नहीं पाते। आप बर्फ़ पे क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि बर्फ़ के पीछे आप फोर्स लगाते हो तो बर्फ़ स्लिपरी होता है, यानी उसमें फ्रिक्शन कम होता है, तो आपको आगे की तरफ फोर्स ही नहीं लगा पाता, इसलिए आप चल ही नहीं पाते हो। आप कीचड़ में क्यों नहीं चल पाते हो, क्योंकि आप पीछे की तरफ तो फोर्स लगाते हो, आप अपना जो लगाना है वो लगाओगे भाई, लेकिन सरफेस के पास वो पावर ही नहीं होता है फोर्स लगाने का, तो इसलिए आप आइस पे नहीं चल पाते हो, मड पे नहीं चल पाते हो, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन वही है। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और नाम है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, कि आप जितना दबाव लगाओगे फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और देखो, मान लो आप भी ज़मीन पे चलते हो, फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ और हाथी चलेगा उसमें, फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ और होगा भाई, आप ऐसा नहीं बोल सकते फ्रिक्शन का वैल्यू सेम होगा। कैसे सेम होगा, आपका आप जितना फोर्स लगाते हो ऐसे और हाथी, दोनों सेम होगा? नहीं, तो फ्रिक्शन का वैल्यू अलग होता है। देखो, फार्मूला याद रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये चैप्टर भी सिर्फ हमें थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का कब होता है, जब बॉडी स्लाइड करने वाला होता है, ऐसे जब यहाँ पे बॉडी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे है, इस समय मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, स्टैटिक का तो हमने देख लिया कि दोनों बॉडी में कोई मोशन नहीं था, मतलब रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कोई मोशन नहीं कर रहा। जब हम पैर रख रहे थे यहाँ पे, उस समय कोई मोशन थोड़ी है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में कोई मोशन नहीं था। लेकिन हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की, जैसे मान लो आप कुछ लिख रहे हो, ठीक ना, तो ये मोशन में है ना,
ठीक है ना। तो आप किस क्यों देखो आप क्यों किसी पेन को बेकार बोल देते हो? बेकार इसलिए बोलते हो कि भाई ये स्लाइड ही नहीं कर पा रहा है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। तो आपका अगर सरफेस या पेन की निप में काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, आपको ज़्यादा रोक रहा है, तो यानी उस पेन को आप ख़राब बोलते हो क्योंकि उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है? द फ्रिक्शन व्हिच एक्ट व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर इज कॉल्ड काइनेटिक। एक बॉडी दूसरे पे स्लाइड करती है ऐसे, जैसे आप एक इसी जैसे यहाँ पे एक प्लॉट डब्बा है, इस डब्बा ऐसे खिसका रहे हो, तो इसको काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम लगती है भाई, कम क्यों लगती है? ज़्यादा लगती तो रुक नहीं जाता ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर बॉक्स है तो ये ज़्यादा लगेगी क्योंकि इसको आप ज़्यादा फोर्स देना होगा, इसको तो आप फोर्स अब हल्का सा टच करोगे गिर जाएगा पूरा। तो अभी यहाँ पे पता चला जितना आपको कम फोर्स हल्का सा टच करने का मतलब क्या है, आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो आपको कम जितना फोर्स लगाओगे अपोज तो उतना ही करेगा ना। तो यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको MCQs में, ठीक है ना। और एक और चीज़, हाँ यहाँ देख दीजिए, फ्रिक्शन इज हाँ फ्रिक्शन डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जो आप मान लो उबर खाबर आपका रास्ता है, उबर खाबर रास्ता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा लगे। यहाँ पे उबर खाबर है, ऑब्वियसली ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना। और एकदम स्लाइड है, अच्छे से है, तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट फोर्स पे, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। ये भी हमें कि इंडिपेंडेंट होता है माइक्रोस्कोपिक, अगर एकदम थोड़ी जहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट से थोड़ी इम्पैक्ट करेगा। और एक और चीज़, फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान देना। ये भी पूछ सकता है नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। थर्ड क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब ऐसे कोई नच रहा है, जैसे आप जो जो गाड़ी के जो साइकिल के बॉल्स होते हैं ना, जो जहाँ पे मान लो जो पहिया जहाँ पे लगा होता है, पहिया जहाँ पे फिट होता है, इस पॉइंट पे नहीं होते बॉल होते हैं, जो बॉल वियरिंग टाइप का हम जो वियरिंग बोलते हैं, तो वहाँ पे ऐसे चीज़ अगर मूव करते हैं उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, वहाँ पे लगता है। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन कम लगे, इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, ठीक है ना। कि फ्रिक्शन जितना कम फ्रिक्शन लगेगा आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से चला सकते हो, ठीक ना। इसलिए ना हम गाड़ी में बाइसाइकिल या बाइक में ये डालते रहते हैं, ग्रीस डालते रहते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वन सेक, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये है सन, ये है अर्थ, इसके चारों तरफ मूव करती है, ठीक है ना, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो आप बताओ मूव क्यों कर पाती है? मूव इसलिए कर पाती है कि सन अपने तरफ इसको किसी फोर्स से खींचता रहता है, ठीक है ना। इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। नॉर्मली याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स। और अर्थ, अर्थ जो इसके अपोजिट फोर्स लगाते हैं वो किस कारण फोर्स लगाते हैं, वो मैं बताता हूँ, वेलोसिटी के कारण होता है। और इस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो किसी जैसे इस अर्थ पे सन के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके अपोजिट में लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए दोनों, आप मान लो दोनों बराबर लगना चाहिए, तभी तो आपस में कैंसिल आउट कर लेगा। दोनों बराबर नहीं लगेगा, अगर मान लो ये ज़्यादा लगे, ये ज़्यादा लगेगा, भाई आप बोल रहे हो कि ये क्यों लगे भैया, तो सिर्फ यही अगर लगता तो सन की तरफ हम नहीं चले जाते, बात तो है, सन की तरफ हम चले जाते। और एक कम लगे, ये अगर ज़्यादा लगता तो हम अपने ऑर्बिट से बार बार दूर भागते रहते। तो हम अपने ऑर्बिट में क्यों हैं, हम धरती अर्थ अपने ऑर्बिट में क्यों है, सन के एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ना, ऑर्बिट में इसलिए कि दोनों फोर्स सेम लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें और डिटेल में भी दिया है, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, थोड़ा समझ ले, आप बार बार ऐसे सुनते होइएगा ना, क्योंकि हम जो अर्थ से सैटेलाइट भेजते हैं, ध्यान देना, अर्थ से सैटेलाइट भेजते हैं, वो अर्थ से सैटेलाइट जो भेजते हैं वो अर्थ के चारों तरफ जाता है ना, चारों तरफ चलता है। तो जो अर्थ के बहुत नज़दीक होता है, ध्यान देना, ये अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल से कोई हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजें, ठीक है ना, अर्थ से सैटेलाइट भेजें, तो जो अगर वो कम हाइट पर है, ध्यान देना कम हाइट पर है,
तो कम हाइट पे है तो ज़्यादा फोर्स लगाए, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स वही ना सेंट्रिपिटल फोर्स, हम यहाँ बाद में मान देते हैं। सेंट्रिपिटल एक टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये ज़्यादा लगाए, ज़्यादा लगाएगा तो इसको क्या होना चाहिए, इधर सेंट्रीफ्यूअल फोर्स भी ज़्यादा होना चाहिए ना, जा सेंट्रीफ्यूअल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी ज़्यादा होना चाहिए ना। तो ये ज़्यादा कैसे होगा भाई, ये ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसको स्पीड अपना ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए सैटेलाइट जब कम हाइट पे होती है तो ज़्यादा स्पीड से मूव करती है, ज़्यादा स्पीड से मूव करती है, इसलिए कम ही टाइम में कई बार ऑर्बिट क्रॉस कर लेती, कई बार अर्थ के चक्कर लगा लेती है। इसीलिए जो हम सैटेलाइट भेजते हैं वो अर्थ के चक्कर एक दिन में कई बार लगा लेती है, ठीक है ना, अर्थ का चक्कर एक दिन में कई बार लगा लेती है, ठीक है। और फोर्स कितना लगाता है मैं बताता हूँ, ये फोर्स कितना लगाता है, ये लगाता है एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या है देखो यहाँ पे, क्या है एम, क्या है इसका मास, इस सैटेलाइट का मास, एम क्या है इस सैटेलाइट का मास, और आर क्या है रेडियस किसका, इस पर्टिकुलर पाथ का, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बोल सकते हो सिंपल। और उसके बाद स्पीड क्या है वी। अब देखो आर अगर ज़्यादा होगा, आर अगर ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है, ये इसको अगर ज़्यादा कर लिएगा तो फोर्स कम, तो यानी अगर दूर है, दूर है तो फोर्स कम लगेगा ना, दूर है तो फोर्स कम लगेगा, तो इसको क्या करेगा, वेलोसिटी को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा तो इसको कम करो, ठीक है ना। तो आप सिंपल याद रख सकते हो, तो इसीलिए जो सैटेलाइट जो कम दूर पे होते हैं ना, कम डिस्टेंस पे होते हैं, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा डिस्टेंस पे उसकी तो वेलोसिटी कम होती है। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जांपल देख लेना। उसका नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ध्यान देना, सिंपल है, एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि जैसे मान लो ये चीज़, कोई चीज़ है अपने एक्सिस पे रोटेट करे बार बार, तो हम किसी एक पॉइंट पे देखेंगे फोर्स कितना लगता है, जैसे इस पॉइंट पे देखेंगे फोर्स कितना लगता है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से रेडियस का जो डिस्टेंस हुआ बस उसको, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, इस सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट पे, इस मोमेंट पे फोर्स निकालना है, तो यहाँ फोर्स तो सेम ही होगा, फोर्स इनटू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू ए डिस्टेंस। तो एक तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसका एसआई यूनिट होगा फोर्स इनटू मोमेंट आर्म का होगा मीटर, तो फोर्स का होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का तो मीटर ही होगा, तो न्यूटन मीटर। और एक ए क्या है, कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स, यहाँ पे मोमेंट, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि कोई एक बॉडी है, कोई बॉडी का मास जहाँ पे पूरे मास का कंसंट्रेटेड जहाँ पे होगा, जहाँ पे उसका एंटायर वेट एग्जिस्ट करेगा, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल, सेंटर, सबसे पहले हम उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और यहीं पे जैसे मान लो आपका बॉडी है, तो आपके बॉडी के सेंटर पे, क्योंकि आपका जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई बॉडी है, इसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कब इसका सेंटर यहाँ पे होगा, जब इसका सारे जो वॉल्यूम है, सारा जिस मास से भरा होगा सब सेम होगा, तभी इसका सेंटर, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई बॉडी में ये यहाँ से यहाँ तक खाली, यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ, तो इसका सेंटर यहाँ पे थोड़ी हो जाएगा भाई, कभी नहीं हो सकता, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, तो सेंटर डिपेंड करता है मास से, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जहाँ पे इसका सेंटर एग्जिस्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वहीं पे उसी पॉइंट पे जाके लगता है, ग्रेविटेशन पॉइंट पूरे शरीर, ऐसे नहीं कि आपका, आप शरीर, आप चल रहे हो तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पैर पे लगेगा, नहीं भाई, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपके बॉडी का जहाँ पे सब एकदम सेंटर पे लगेगा, ठीक है ना, जहाँ पे आपके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट का जो मास सेम होगा उसी पॉइंट पे जाके लगेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, द वेट ऑफ, तो एक चीज, ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे लगाता है, फोर्स कितना, फोर्स लगता है
आपका वेट जितना होता है वही नीचे फोर्स लगता है, एम इंटू जी के बराबर होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, एम इंटू जी, ठीक है ना। द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट थ्रो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेंस अ बॉडी कैन वॉट टू द इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा फोर्स लगाते हो आप गिर जाते हैं, इसलिए सेम इक्वल फोर्स ऊपर की तरफ ही लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम आसान है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप यहाँ पे हो, आप एक एक ब्लॉक यहाँ पे है, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, सेम फोर्स मैं भी इधर से लगा रहा हूँ, तो इस पर नेट जो फोर्स होगा वो तो जीरो होगा ना। तो यानी जब नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या अपनी जगह से हिलेगा, नहीं हिलेगा भाई। तो इसको हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में है। दर इफ़ अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, रिजल्टेंट का मतलब है इधर से आप 5 न्यूटन लगाए, इधर से मैं भी 5 न्यूटन लगाया, तो टोटल क्या हुआ, 5 न्यूटन इधर प्लस 5 न्यूटन इधर, तो माइनस कर देंगे ना। अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स निकाले तो 5 - 5 तो 0, ठीक है ना। तो अब दो नीड आप क्या क्या हो सकता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, तीन टाइप है ना, फर्स्ट सेकंड था। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, स्टेबल का मतलब जैसे आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर खींचोगे फिर अपने जगह पे आ जाएगा ना। तो जो बॉडी, जिस बॉडी को हम स्लाइड डिस्प्लेस किया अपने जगह से, फिर से लौट गया अपने जगह पे, टेंडेंसी टू रिगेन द ओरिजिनल पोजीशन, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि फिर से वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा, इसको स्टेबल। दूसरा होता है अनस्टेबल, ठीक है ना। अनस्टेबल डिस इक्विलिब्रियम, जैसे कोई बॉडी यहाँ पे था, इक्विलिब्रियम में था, थोड़ा हम धक्का दिए, क्या अपने पोजीशन पे आ पाएगा फिर से, नहीं भाई वो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। और एक होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब है, ठीक है ना, न्यूट्रल में है। न्यूट्रल में देखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, इफ अ बॉडी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ए बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी अनस्टेबल। इन दिस इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी एट हाईएस्ट पोजीशन, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर होती है। उसके नेक्स्ट देखो, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और हाँ, जैसे मान लो दो केस हमने देखा ना, दोनों केस था क्या था, एक स्टेबल था कि अपने जगह पे आ गया, एक था कि अपने जगह पे नहीं लगा। लेकिन भाई एक ऐसा केस हो कि यहाँ से, दो केस देखा ना, एक अपने पोजीशन पे आ गया, एक नहीं आया, एक आपने बस धक्का दिया यहाँ से आके यहाँ खिसक गया, जितना फोर्स लगा उसने, इसके अलावा और कुछ हो रहा है न, अपने जगह पे आ रहा है भाई न कहीं दूर जा रहा है, ये आलसी है, मतलब जितना धक्का दिया वहीं पर रह गया, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाले का ग्रेविटी रिमेंस द सेम हाइट होता है। तो ये देखो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सबसे लोएस्ट, इसका हाईएस्ट, इसका सेम हाइट, ठीक है ना। उसके बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन है, दो कंडीशन क्या क्या फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिनिमम हाइट होना चाहिए, मैंने बताया। स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, स्टेबल के लिए होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिनिमम हाइट पहनने के लिए। अनस्टेबल के लिए क्या होता है, मैक्सिमम हाइट, ये पूछ सकता है। और देखो मैं इसको ज़्यादा समझाने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है ना उतना ज़्यादा समझने से, क्योंकि आएगा नहीं एग्जाम में और फिर समझ में ही भी आना मुश्किल नहीं लगेगा। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड पास थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। वर्टिकल लाइन, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो ये इसके बेस से, ये लाइन इसके बेस से पास हो, ठीक है ना। तो समझ जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर, फिर ग्रेविटेशन, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।